हाई हेलो एवरी वन वेलकम और वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल आई एम सी ए नेहा दत्ता एंड टुडे दिस वीडियो इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट आई हैड टू गैदर अ लॉट ऑफ करेज टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक बिकॉज यू नो वट हैपेन्ड मैनी टाइम्स अ लॉट ऑफ पीपल रीच आउट टू बी एंड टेलिंग की यू नो यू आर अ चार्टेड अकाउंटेंट सो यू शूड क्रिएट सम फिनास लाइक कॉन्टेंट और टेक्सेशन कॉन्टेंट अकाउंटिंग ऑडिटिंग टाइप ऑफ कॉन्टेंट ये क्या आप हमेशा अलग तरह के टॉपिक पर बात करते हो ये हमारी यूजुअली कंडीशनिंग होती है कि कोई अगर किसी पर्टिकुलर फील्ड से है तो उसे अपने नीच के अपने टॉपिक्स के ऊपर ही बात करनी चाहिए बट आई वॉज बिट डिफरेंट इन दैट मेरी अप्रोच शुरू से ये थी कि मैंने अपनी नौ साल की जर्नी में क्या सीखा क्योंकि मैंने देखा जब मैं उस जर्नी में फंसी हुई थी मैंने किस तरह से खुद को वहाँ से बाहर निकाला है एंड व्हाट ऑल आई लर्न इन दैट पर्टिकुलर टाइम तो मैं चाहती थी कुछ चीज़ें जो मैंने सीखी हैं पढ़ाई के अलावा मैंने चीज़ों को देखने का नज़रिया सीखा है वो पर्सपेक्टिव मैं आपसे शेयर करूँ ताकि जो मेरी तरह वहाँ फंसा हुआ है वो वहाँ से बाहर निकल पाए तो इस चैनल पे मैं जो भी शेयर करती हूँ दैट्स ऑब्वियसली नॉट एन एनी एक्सपर्ट एडवाइस या एक्सपर्ट गाइडेंस दैट इज़ जस्ट फ्यू ऑफ़ माई एक्सपीरियंसिस और माई लर्निंग्स विच आई एम शेयरिंग हेयर इन ऑर्डर टू मेक यू ऑल्सो गेट फेमिलियर विद फ्यू थिंग्स जो मैंने अभी रिसेंटली सीखी हैं तो ऐसे ही एक चीज़ के बारे में मैं आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ तो मैंने पहले भी जैसे बताया है कि मैंने हो ओपोनोपोनो प्रेयर के बारे में सीखा था तो इट वॉज सिक्स मंथ्स बैक वन आई वॉज़ रियली फीलिंग स्टक एक सिचुएशन uh, में कि मैं एग्ज़ाम क्यों नहीं पास कर पा रही हूँ क्यों मैं बार बार एक दो नंबर से फेल हो जाती हूँ विद ऑल ऑफ़ दैट फ्रस्ट्रेशन इन माई माइंड वन डे आई वॉज स्क्रॉलिंग वीडियो एंड रैंडमली एक वीडियो पॉपअप हुआ हो ओपोनोपोनो प्रेयर इस प्रेयर के बारे में पहले पहले भी बताया कि ये एक हवान प्रेयर है जो कि क्लीनिंग के पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है दिस प्रेयर इंक्लूड्स फोर स्टेटमेंट्स आई एम सॉरी प्लीज़ वो गिव मी आई थैंक यू एंड आई लव यू ये प्रेयर ऐसा एज्यूम किया जाता है कि आप डिवाइन से कह रहे हैं या आप किसी भी चीज़ से आप अपने रिलेशनशिप्स में बोल सकते हैं या आप एज्यूम कर सकते हैं आप किसी इंसान से बोल रहे हैं जिससे आपके कुछ इशूज़ चल रहे हैं तो ये सारी चीज़ों को क्लीन करके आपकी जो भी नेगेटिविटी डीप डाउन है उसको रिलीज़ करती है सो so ऐसा कुछ इस प्रेयर के बारे में मैंने पढ़ा था वैन आई स्टार्टड डोइंग दिस प्रेयर आफ्टर थ्री मंथ्स आई स्टार्टड टू फील अ सडन चेंज एंड अडन कामनेस विद इन ऑल ऑफ़ द सडन मैं नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फील नहीं कर रही थी मैं बहुत शांत रहने लगी काम रहने लगी सो आई थाट कि शायद ये चीज़ काम करती है एंड यू नो जब आप किसी तरह की वीडियोज़ देखते हैं तो सिमिलर तरह की वीडियोज़ आपके रिकमेंडेशन में आने लग जाती हैं तो मैं होप ओन ओपोनो प्रेयर के बारे में कुछ पढ़ा पढ़ रही थी बहुत चीज़ें तो एक दिन रैंडमली एक वीडियो मेरे फीड में दिखी दैट वॉज अबाउट इनर चाइल्ड हीलिंग अब मुझे लगा ये इनर चाइल्ड क्या होता है तो आउट ऑफ क्यूरोसिटी क्योंकि मैं जानना चाहती थी और एंड समथिंग विद इन मी वॉज क्यूरियस टू नो कि क्या है इनर चाइल्ड हीलिंग तो मैंने उस वीडियो पे क्लिक करा दैट वीडियो दैट वीडियो ही दैट पर्सन वॉज़ एक्सप्लेनिंग होप ओनो पोनो प्रेयर को हम इनर चाइल्ड हीलिंग के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं सो so, पहला क्वेश्चन कि इनर चाइल्ड क्या होता है इनर चाइल्ड होता है हमारे अंदर एक आप उसे सबकॉन्शियस माइंड कह सकते हैं हमारे अंदर एक सबकॉन्शियस माइंड है जो कि बचपन से अब तक हमारे साथ जो भी इवेंट्स हुए हैं उसका क्या इम्पैक्ट हम पर पड़ा वो वहाँ पर सारी चीज़ें स्टोर होती हैं बहुत चीज़ें हमें कॉन्शियस लेवल पर अभी याद भी नहीं होंगी कि हमारे बचपन में क्या हुआ था कोई इंसिडेंट्स किसी ने हमें कुछ कह दिया था किसी ने हमसे रूडली बिहेव करा था किसी ने हमें कभी बचपन में कह दिया होगा यू नो यू आर नॉट गुड इनफ या किसी ने हमारा कभी कंपेरिजन करा होगा वो कॉन्शियसली हमें याद नहीं है चीज़ें बट सब कॉन्शियसली डीप डाउन हमारे दिमाग में वो अब तक स्टोर हैं बहुत बार ऐसा होता है कि हमें किसी चीज़ से इरिटेशन होती है बहुत ज़्यादा या जैसे मुझे एग्ज़ाम फोबिया था बहुत ज़्यादा तो ये ऐसी अगर किसी को एग्ज़ाम फोबिया होता है या किसी को किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डर लगता है नॉर्मल डर लगना अलग बात है पर अगर पर अगर आपको बहुत ज़्यादा घबराहट होती है किसी चीज़ से सो देर मस्ट बी समथिंग जो पास्ट में ऐसा हुआ आपको भी याद भी नहीं है क्या हुआ उसने कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट करा बहुत ज़्यादा या फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कुछ कुछ लोग दूसरे लोगों पर विश्वास नहीं कर पाते उस उनके पीछे पास्ट में ऐसा कुछ ट्रोमेटिक इवेंट हुआ होगा जब उन्होंने किसी पर बहुत एक्सट्रीम विश्वास करा एंड दैट पर्सन डिच देम तो अब उन्हें किसी पर भी विश्वास करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो ये उनके पास्ट के कंडीशनिंग या उनका पास्ट का एक्सपीरियंस का ट्रॉमा है जो उनकी आगे की सारी चीज़ें इंपैक्ट कर रहा है कुछ कुछ लोग किसी से सोशली बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट अच्छे से नहीं कर पाते हैं तो उसके पीछे कुछ उनका पास्ट का इवेंट होगा जो उन्हें अभी याद भी नहीं है पर वो उन्हें उनके अंदर वो इतना नेगेटिविटी स्टोर हो चुकी है कि वो वैसे ही इवेंट्स अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते रहते हैं और वो तब तक चेंज नहीं होगा जब तक वो कॉन्शियसली अपनी हीलिंग नहीं करेंगे ये होता है सेल्फ हीलिंग या इनर चाइल्ड की हीलिंग मुझे नहीं पता कि क्या क्या इवेंट्स मेरे पास्ट में हुए जो मुझे अब तक याद बचपन से अब तक कितने सारे ऐसे इवेंट्स इवेंट्स हुए होंगे जैसे कि मुझे लगता था कि मैं क्यों एग्ज़ाम में इतना फोबिया मुझे होता है जैसे कि यूजुअली जब हम छोटे होते हैं हमारे पेरेंट्स हमसे नॉर्मली पूछते हैं कि तुम्हारा इतने मार्क्स आए तुम्हारे फ्रेंड के कितने मार्क्स आए या उसने कितना स्कोर करा और लोगों के कितने मार्क्स आए तुम्हारे तो आ गए एटी नाइन्टी परसेंट बाकी लोगों के कितने मार्क्स आए तो बींग अ चाइल्ड वो छोटे बच्चे ने बचपन से क्या सीखा कि मुझे कम्पीट करना है लोगों से मुझे हमेशा कंपेरिज़न करना है वहीं से उसके अंदर कम्पेरिज़न की वो एक उसके कंपैरिजन का इशू फेस करने लग जाता है और वो बड़ा होते होते तक अपने मार्क्स कंपेयर करता है फिर अपनी जॉब कंपेयर करता है को कोई कितना अर्न कर रहा है फिर उस लाइफ कैसा है वो सारी चीज़ें कंपेरिजन उसमें बचपन से ही आ गया था तो पहले हमें खुद को हील करना ज़रूरी है सारी चीज़ों से पेरेंट्स जब भी करते हैं कंपैरिजन करते हैं उनका इंटेंशन गलत नहीं है दे जस्ट वांट देयर चाइल्ड टू एक्सेल इन वॉट एवर ही और शी डू पर कहीं ना कहीं वो चीज़ वो चाइल्ड को इम्पैक्ट करती है और बचपन में उस पर उसे ही लगने लग जाता है कि बहुत नॉर्मल चीज़ है कंपैरिजन एक बहुत नॉर्मल चीज़ होती है तो हमें इस तरह से ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था इस तरह से बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जो हमें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करते हैं वो हमारे माइंड में स्टोर होते रहते हैं और हम उसके लिए अवेयर भी नहीं हैं कि ऐसा है तो इसलिए इनर चाइल्ड की हीलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है वरना हम वही पुराने बिलीव्स लेकर आगे चलते रहेंगे और जो जो हमारे अंदर के बिलीव्स होंगे बाहर जो भी होता है वो हमारे अंदर जो चल रहा है उसका रिफ़्लेक्शन है अगर हमारे अंदर नेगेटिव बिलीव्स हैं तो हम वही चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते रहते हैं हमें कॉन्शियसली पता भी नहीं चलता कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ क्योंकि हमारे सब कॉन्शियस लेवल पे डीप डाउन हमारे अंदर वही बिलीफ हैं चीज़ों को लेके मुझे ऐसा बहुत बिलीव था शुरू से कि आ, मैं बहुत लोगों से घुलती मिलती नहीं थी और मुझे ऐसा बिलीव था कि मेरी ना किसी से नहीं बनती है मैं बोलती भी ऐसा ही थी तीसा हमेशा कि यू you नो know, मेरी ना किसी से भी बनती नहीं है मेरी कोई दोस्ती नहीं चलती मेरा कोई दोस्ती काम नहीं करती मेरी पता नहीं मैं क्यों मेरी किसी से बन नहीं पाती है मेरी चार दिन किसी से बनेगी फिर मेरी लड़ाई हो जाएगी कोई आर्ग्यूमेंट हो जाएगा ये मेरा बहुत स्ट्रॉग बिलीव था मैंने इस बिलीफ को समझा हीलिंग करनी अपनी थोड़ी स्टार्ट करी और मैंने इसको एफोमेशन के साथ कंबाइन करा एंड आई स्टार्टेड सेइंग मैं खुद को शांत करके मेडिटेशन करके डीप ब्रीदिंग करके खुद को शांत करके फिर मैंने कहना स्टार्ट करा आई एम सच अ लविंग पर्सन आई एम लव्ड आई एम लव्ड बाई पीपल जो भी लोग मेरे आसपास होते हैं दिस दिस स्टार्ट टू फील काम जब वो मेरे आसपास होते हैं उन्हें मेरे साथ रहना बहुत अच्छा लगता है उन्हें मुझसे बात करके बहुत अच्छा लगता है एंड आई एम सच अ लविंग पर्सन आई एम सच अ केयरिंग पर्सन और जो मेरी लाइफ में मेरे दोस्त हैं या जो भी आसपास मेरे लोग हैं मेरे कलीग्स हैं मेरे वर्क प्लेस के लोग हैं या कोई मेरे क्लाइंट्स हैं सबके मुझसे बहुत अच्छी ट्यूनिंग बन जाती है एंड आई आई ऑलवेज़ बिल्ड अ लॉन्ग टर्म रिलेशन विद पीपल एंड एज अ रिज़ल्ट इट हैपन् कुछ साल जब मैं कुछ टाइम से ये चीज़ कर रही थी अभी छः महीने एक साल से आई एम प्रैक्टिसंग दिस थिंग और रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू कॉमेंट सेक्शन में शायद ही कोई ऐसा होता है जो ये नहीं लिखता कि हाउ मच दे आर ग्रेटफुल टू मी दे दैट हाउ मच यू पीपल लव मी सो आई थिंक दिस इज़ रिजल्ट ऑफ द हीलिंग आई डिड इन द पास्ट तो ये हीलिंग के लिए मैंने क्या करा अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है आप अपने एक दिन आप आराम से बैठ कर अपने बिलीफ चेक करें कि मेरे चीज़ों को लेके क्या बिलीफ है किस चीज़ से मुझे बहुत एक्सट्रीम एन्जाइटी होती है मुझे किसी चीज़ से क्यों इतना डर लगता है कुछ ऐसा है पास्ट में हुआ है जो मुझे अवेयर भी नहीं हुआ मैं उसके बारे में और वो कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है तो पहले ये फिगर आउट करें उसके बाद दो तीन वीडियोज़ जो मैंने देखी थी एक में जहाँ वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि अपने इनर चाइल्ड को हील कैसे करें हो पुनो पुनो टेक्निक से काम योर सेल्फ सिट डाउन इन अ रूम क्लोज योर आइज लाइट्स ऑफ कर दें और शांति से ऐसा एज्यूम करें कि देर इज़ इनर चाइल्ड विद इन यू और आप उसको कह रहे हैं कि आई एम सॉरी आई एम सॉरी आप जो भी मेरी वजह से उस इनर चाइल्ड को तकलीफ़ हुई जैसे किसी का हार्ट ब्रेक होता है कोई कितना अपसेट होता है तो वो इनर चाइल्ड अपसेट होता है उसको कितना हम कई बार हम अपनी सेल्फ वर्थ को दाव पे लगा के किसी के पीछे भागते हैं तो आप उस इनर चाइल्ड के साथ कितनी नाइंसाफ़ी कर रहे हो आप अपने किसी ईगो के लिए या डिस्परेशन में आके किसी के पीछे भाग रहे हो या यू नीड सम रिलेशनशिप आप किसी के पीछे भाग रहे हो इस सब में आप उस इनर चाइल्ड को कितना इम्पैक्ट कर रहे हो आपसे कोई एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता तो आप कितना क्रिटिसाइज़ करते हो उस इनर चाइल्ड को आप उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते हम हमसे अच्छा, हम अपने आप से अच्छे से बात नहीं करते ये सब जब एक्यूमुलेट होता रहता है एक्यूमोलेट होता रहता है तो वो इनर चाइल्ड कितना अपसेट है अगर आप उससे प्यार से बात करना शुरू करें मतलब अगर आप खुद से प्यार से बात करना शुरू करें तो विल बी सरप्राइज टू सी द रिज़ल्ट अगर आप खुद से अच्छे से बात करने लग जाएंगे सबसे बेसिक फाउंडेशन जो भी आसपास हो रहा है उस वो फाउंडेशन है आपका अपने साथ रिश्ता अगर आपका रिश्ता अपने साथ अच्छा है तो आपके बाहर की सारी चीज़ें अच्छी होती जाएंगी इवेंचुअली आपको फील होगा कि बाहर आपको कुछ चेंज नहीं करना पड़ रहा वो अपने आप चेंज हो रहा है तो सबसे पहले आपको अपने साथ रिश्ता बेटर करना है तो कुछ प्रेयर्स एक रेकी का चैनल है जहाँ पर मैंने इनर हीलिंग के लिए मेडिटेशन कुछ सुनी थी इट वॉज़ सम गाइडेड मेडिटेशन इट वॉज़ सम म्यूज़िक तो वो कुछ चीज़ें कुछ वीडियोज़ हैं जो मैं रेफ़र करती हूँ आप उन वीडियोज़ को देखें इस टॉपिक की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए तो तीन चार वीडियोज़ जो मैं मैंने रेफ़र करी थी स्टार्टिंग में इनिशियल पॉइंट पर मैं उन सब वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप उसे चेक करें इस टॉपिक को समझने की कोशिश करें कि इनर चाइल्ड क्या होता है इनर चाइल्ड हीलिंग क्या होती है तो आप अपने आप से खुद से बहुत अच्छा रिश्ता बनाएं, प्यार से बात करें खुद से जो भी बात में आपसे गलती हो गई है वो सबके लिए खुद को माफ़ करें इतना सेल्फ सेवोटेज ना करें अपनी सेल्फ वर्थ किसी और की वजह से अपनी सेल्फ वर्थ पे डाउट नहीं करें सो स्टार्ट फ्रॉम हीलिंग योर सेल्फ खुद को हील करना शुरू करें तो बाहर सब कुछ बहुत अच्छा होता जाएगा सो आई होप इस टॉपिक के बारे में आपको थोड़ा आइडिया दिया होगा अगर इसके बारे में आपको और भी जानना है कुछ तो जस्ट डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन डाउन बिलो आई ट्राई टू बी ब्रिंग अनदर वीडियो ऑन दिस टॉपिक सो दट सॉल फॉर दिस वंस सी इन द नेक्स्ट वन दिन बाय बाय